So in this topic, weavers, iron smelter and factory owners, okay? We have discussed till now that India was a colony of Britishers. During that time, there was pattern of change of trade. So earlier, Indian textile, it was dominant in world market, okay? Indian textile was having great demand in other European countries, including Britain also, okay? But later on, there was, कि अर्लियर क्या था, इसकी पोजीशन कैसे थी, डोमिनेंट पोजीशन थी, जिसका हमें पता चलता है डिफरेंट रिकॉर्ड से, जैसे ऑर्डर बुक का हमें पेज मिला या डिफरेंट जो नेम्स उनकी वोकैबुलरी में है, कि कॉटन का नेम सी जगह के नेम से है ना, कितनी वैरायटीज ऑफ कॉटन वहां पे फेमस थी, तो उससे हमें पता चलता है कि डोमिनेंट पोजिशन थी इंडिया की वर्ल्ड मार्केट में. लेकिन लेटर ऑन देयर वाज अ डिक्लाइन. There was decline in the demand of Indian textile. Why there was decline? The reason of decline. Yes, two main reasons we have done decline of Indian textile. ठीक है, Indian textile world market में पहले dominant position थी और बाद में क्या हो गया, इसका decline होना start हो गया. So what were the two main reasons? दो मेन रीजंस कौन से थे? हाँ जी, सो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड देन इंडियन टेक्सटाइल हैड टू कम्पीट विद द मशीन मेड टेक्सटाइल, है ना, जो मशीन में उनकी टेक्सटाइल्स बन रही थी उसको कम्पीट करना पड़ रहा था. वो लार्ज क्वांटिटी में बन रही थी, फाइन क्वालिटी में बन रही थी, हैंड जो वीवन है उससे थोड़ी चीप थी, ठीक है, तो डिफरेंट वो चीजें भी थी. इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे डिक्लाइन, ठीक है. इसी में हमने इन बिटवीन डिस्कस किया था कि विच पर्सन वर इन्वॉल्व इन इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, विच पर्सन वर इन्वॉल्व, देयर वर many kind of different small occupations that were linked to this Indian textile. ठीक है, हाँ जी बेटा, weavers, spinners, dyers and printers. Okay, so decline of Indian textile, first they have to compete with the, they have to compete with British industries, है ना, जो उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रीज वहां पे रेवोल्यूशन आ गई थी, इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा था, तो उनके साथ उनको कम्पीट करना पड़ रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश टेक्सटाइल. और सेकंड क्या था, उनको हैवी ड्यूटीज टैक्सेस, क्योंकि इंडियन क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जहां जहां जिस जिस कंट्री में, अब धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, व्हाट इज result of industrialization, yes Navya, due to industrialization what was the result on the production, industrialization ho gayi to production pe uska kya effect hua, textile production ki hi baat karni, yes, ab world market mein european countries bhi hain, britain bhi hain, एशियन कंट्रीज भी हैं, वेस्ट एशिया भी है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हाँ जी, प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हो सकते हैं, जब वंस द थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय हैंड एंड नाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, सो व्हाट आर द चेंजेस इन द प्रोडक्शन, वन द प्रोडक्शन इज मोर, एक तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, अनदर मशीन में एक ही तरह की स्मूथ बनेगी चीजें, एक जैसी बनेंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, हम एक ही जैसा काफी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, फाइन क्वालिटी जो भी एक चीज हमने डिसाइड कर ली, सेम वैसी सारी चीजें बनेंगी. और यस, व्हाट एल्स, सिट प्रॉपरली, हाँ जी, यस हरमन, और
एक इसमें और पॉइंट ऐड हो सकता है कि दे वर चीप देन द हैंडमेड गुड्स, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस हो रही हैं, फाइन क्वालिटी में भी हो रही हैं, चीप भी हैं देन द हैंडमेड गुड्स जो टेक्सटाइल है। अब इसमें इसका ड्यूटीज मीन्स टैक्सेस जो उनको जैसे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन मार्केट्स में जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थी वो सारी मार्केट में डोमिनेंट हो गई, जो इंडिया की धीरे धीरे डोमिनेंट होना स्टार्ट हो गई और इंडियन टेक्सटाइल को इट वॉज हैविंग अ बैड इफेक्ट। अब इसी में जैसे 1830 की अगर हम बात करें तो, हाँ जी 1830 की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल आना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे इसकी इंडियन मार्केट में, इट वॉज फ्लडेड इन इंडियन मार्केट, ठीक है, धीरे धीरे इसकी हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन और ज्यादा होने शुरू हो गई। हाँ जी ईशान, यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम दूसरे कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट को हमें ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, इंडिया में हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे भी लाके बेच रही है, अब यहाँ पे हम क्यों नहीं दे, हम क्यों नहीं ले रहे उनसे हैवी टैक्सेस, ठीक है, एनी आइडिया क्यों नहीं हम ले रहे उनसे, क्योंकि यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की अपनी गवर्नमेंट है तो वो यहाँ पे टैक्सेस क्यों लगाएंगे, है ना, क्योंकि इंडियन के वहां पे अगर हम अगर और ये गवर्नमेंट क्यों क्यों रही है हैवी ड्यूटीज अगर हम लगा रही है, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, कम्पीट विद, और कम्पीट किस किस चीजों से करना पड़ रहा है, चीप है वो, है ना, एक तो चीप है और लार्जेस्ट लार्जर क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन भी हो रहा है ना, और क्या है, फाइन क्वालिटी है, और ठीक है ये पॉइंट्स बहुत है। उसके बाद हैवी ड्यूटीज, अब हैवी ड्यूटीज जिस इंडिया में अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हर कंट्री में, हमने इंडिया में भी इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, इंडियन फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1854 में इंडिया में भी बॉम्बे में कॉटन मिल एस्टेब्लिश कर ली थी, जैसे इंडिया में कर ली थी, ठीक है, फर्स्ट देयर वॉज इन बॉम्बे, ठीक है, एंड देन अहमदाबाद में फिर 1861 में की गई थी, ठीक है, यस, और धीरे धीरे बाकी सिटीज में भी की गई। अब इंडिया में कर रहे हैं तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी अपने अपने कंट्रीज में वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें, जैसे इंडिया में कर रहे हैं, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई है तो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई, वहां के लोकल प्रोड्यूसर दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कॉटन, तो वहां की गवर्नमेंट ने दे प्रोटेक्टेड देयर लोकल प्रोड्यूसर, वहां की गवर्नमेंट ने अपने लोकल प्रोड्यूसर को प्रेफरेंस दी, उनको प्रोटेक्ट किया, कैसे प्रोटेक्ट किया, बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज, तो लोकल गवर्नमेंट जो थी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हम लगा लेते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज की जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, दे इम्पोज हैवी टैक्सेस या हैवी ड्यूटीज, ठीक है, ये उन्होंने इम्पोज। अब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन में क्या थी, इंडिया में तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इंडियन लोकल जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी गवर्नमेंट को बोला कि यू विल प्रोटेक्ट अस, वी आर इन अ वेरी डिस्ट्रेस सिचुएशन, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट दे डिड नॉट लिसन टू देयर डिमांड, उन्होंने उनकी डिमांड को नहीं सुना, तो इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, सो देयर वॉज नो सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था, नो सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू लोकल जो प्रोड्यूसर थे कॉटन टेक्सटाइल के, ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट जो भी लोकल, यहाँ पे आप लिख लेना कि गवर्नमेंट सपोर्ट था यूरोपियन कंट्रीज टू लोकल प्रोड्यूसर, है ना, यहाँ पे था टू लोकल प्रोड्यूसर सपोर्ट, यहाँ पे मैंने लोकल गवर्नमेंट लिखा था ना, यहाँ पे लिख लेना सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, अब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिटेन में द प्रोड्यूस द कॉटन दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन,
दे ब्रिंग दैट कॉटन टू सेल इन इंडियन मार्केट, क्योंकि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा है, सारा वो खुद यूज नहीं करेंगे, दे हैव टू फाइंड अ मार्केट. इंडिया भी एक उनकी कॉलोनी है, इंडिया में भी मार्केट है, जो बाकी के कंट्रीज में भी ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इन अफ्रीका, इन अदर एशियन कंट्रीज दे हैव ऑल्सो कॉलोनीज. वहां की कॉलोनीज में भी वो वही माल, वो क्या कर रहे हैं, कॉटन बेच रहे हैं, इंडियंस भी वही को एक्सपोर्ट कर रहे थे. तो नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट, इन अदर कंट्रीज मार्केट ऑल्सो दे हैव टू कम्पीट विद द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. तो जो कम्पीट कर रहे हैं वो सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, बाकी वर्ल्ड की मार्केट में भी कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी हैं. तो वो हर कंट्रीज की मार्केट में अपना जो सप्लाई है वो कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड तो थी इंडियन कॉटन की, तो उसको रिप्लेस कर दिया उन्होंने. क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? सो जैसे बाय 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स, एंड बाय 1880 अगर हम 1880 की बात करें तो 2/3 ऑफ ऑल इंडियन क्लोथ, जितने इंडिया में कॉटन के क्लोथ थे उसमें से 2/3 दे वर ओनली ऑफ द दैट वर प्रोड्यूस इन ब्रिटेन. ठीक है, तो इतना मतलब यहाँ पे इट वॉज फ्लडेड इन इंडियन मार्केट, तो उसका असर सीधा किस पे होगा, डिक्लाइन हुआ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का, है ना, इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हुआ. जो यहाँ के वीवर्स थे उन ऑक्यूपेशंस में जो जुड़े हुए थे, दे वर अर्निंग देयर लिवलीहुड, सो इट वाज अ बैड इफेक्ट ऑन देम आल्सो. ठीक है, इट वाज अ वर्स हिट टू देम आल्सो. सो लेकिन इसके साथ, डिक्लाइन के साथ, जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई. ठीक है, देयर वाज डिक्लाइन लेकिन वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई, इट वॉज नॉट कम्प्लीटली, हम कह सकते हैं कि वैनिश्ड, तो कम्प्लीटली वो खत्म नहीं हुई थी. अब क्यों इट वॉज नॉट कम्प्लीटली डाई, क्यों नहीं खत्म हुई थी, इसका क्या रीजन था कि वाई डिक्लाइन तो था. ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर दे वर फेसिंग अ वेरी बिग लॉस, बट दे वर ऑल्सो लूजिंग देयर ऑक्यूपेशन ऑल्सो, लिवलीहुड ऑल्सो, बट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई. ठीक है, उसका रीजन क्या था, सो इट वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स. ठीक है, कि कुछ ऐसी तरह के क्लॉथ्स हैं जो मशीन्स में नहीं बन सकते, जैसे हैंडमेड, अगर हम चीज बोलें तो हैंडमेड चीज की ग्रेस अलग है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अलग है. तो जो हैंडमेड क्वालिटी चाहिए कुछ क्लॉथ्स में, ठीक है, ये हेडिंग क्लियर है. ठीक है, तो why it was not completely died, ठीक है, क्यों नहीं हुई, एक तो जो हैंडमेड क्वालिटी है, ठीक है, हैंडमेड क्वालिटी वो मशीन्स में पॉसिबल नहीं है, इट वॉज नॉट पॉसिबल इन मशीन्स. जैसे साड़ी है, साड़ी में एम्ब्रॉयडरी है, उसका बॉर्डर है, तो वो डिफरेंट, अगर हमने डिजाइनर, हम कह सकते हैं डिजाइनर पीस, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल इन मशीन्स. ठीक है, तो वो हैंडमेड क्वालिटी जो है वो हैंडमेड ही रहेगी. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, इसलिए उनको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, तो टेक्सटाइल भी एक तरह का हैंडीक्राफ्ट ही है. ठीक है, तो इसलिए जैसे हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस सारी विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स, विद क्लोथ्स, विद ट्रेडिशनल वूवन पैटर्न्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में कई तरह के ट्रेडिशनल पैटर्न्स किए, है ना, स्टार्टिंग में आपकी बुक में थे, जैसे चिंस क्लोथ था, जैसे पटोला था, जामदानी वीव, या अलग अलग तरह के वीव्स थे, ये क्या थे, ये सिर्फ हैंडमेड ही हो सकते, मशीन में इस तरह की हम कह सकते क्वालिटी नहीं आ सकती, वहां पे सिर्फ प्रिंटेड हो सकता है. बाद में नो डाउट लेटर ऑन एम्ब्रॉयडरी भी बाय मशीन्स आ गई, लेकिन दैट वाज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी. आज भी हैंडमेड अगर हम कह रहे हैं एम्ब्रॉयडरी, तो आज भी है, चलती है. ठीक है, सो हैंडमेड क्वालिटी इट वॉज नॉट पॉसिबल इन मशीन्स, ये पॉसिबल नहीं थी. एंड इसके बाद जो पुअर पीपल थे, अब नो डाउट जैसे हैंडमेड अगर गुड है, हैंडमेड 400 की उस टाइम पे थी, ठीक है, जो ज्यादा क्वालिटी, जिसकी ज्यादा क्वालिटी थी, और मशीन मेड वही चीज लोगों को 200 में भी मिल रही थी, तो वो दे विल प्रेफर दैट ओनली, है ना, वो उसको प्रेफर करेंगे कॉटन को. लेकिन जो थोड़ा कम लेस क्वालिटी का क्लोथ है वो 100 में भी अवेलेबल है,
लेकिन वो इन इन लोगों को जो ये परचेज कर रहे हैं उनके लिए उनको डिजायरेबल नहीं है. लेकिन जो पुअर पीपल है दे विल परचेज दिस ओनली दैट इज प्रोड्यूस हैंडमेड ओनली बट दैट वाज कोर्स. इतना फाइन क्वालिटी का कॉटन नहीं है लेकिन कोर्स कॉटन है. ठीक है. सो जो कोर्स क्लोथ थे, कोर्स मींस जो फाइन क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, जिसका सरफेस थोड़ा इतना फाइन नहीं है, स्मूथ नहीं है, थोड़ा हार्ड है, तो कोर्स जो कॉटन क्लोथ थे दे वर यूज्ड बाय पुअर्स. तो वो भी कौन अवेलेबल करवा रहे थे? जो इंडियन वीवर्स थे वही उनको अवेलेबल करवा रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये भी महंगा था, ये भी महंगा था. ठीक है, उनके लिए दोनों ही क्या है, एक्सपेंसिव है. सो दे वर प्रेफरिंग दीज कोर्स कॉटन क्लोथ. कोर्स मींस एक फाइन क्वालिटी का कॉटन होता है. ठीक है, जो कॉटन की क्वालिटी बहुत फाइन है, बहुत स्मूथली वीव किया हुआ है, एक कोर्स है. जैसे मार्केट में कई तरह के कॉटन मिलते हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं. ठीक है, तो जो पुअर थे वो इस तरह का चीप क्लोथ यूज कर रहे थे और मशीन मेड भी उससे महंगा था. ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया और मदुराई इन साउथ इंडिया, ये कुछ ऐसे प्लेस थे जो कि 1900 में ज्यादा फेमस हुए. मतलब यहाँ की कॉटन उसके बाद भी चलती रही. ठीक है, सो दीज टाउन एमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट न्यू सेंटर इन लेट 19th सेंचुरी, जबकि ब्रिटिश टेक्सटाइल इट वॉज फ्लडेड इन इंडियन मार्केट. उस टाइम पे ये सेंटर्स भी ज्यादा फेमस हो गए. और एक और चीज थी कि जो महात्मा गांधी ने मूवमेंट चलाई थी, स्वदेशी मूवमेंट, है ना, दे अर्ज इंडियन पीपल. महात्मा गांधी ने भी इंडियन पीपल को अर्ज किया था. किसके लिए अर्ज किया था? टू यूज द इंडियन क्लोथ, इंडियन वीवन क्लोथ, नॉट द ब्रिटिश क्लोथ. तो महात्मा गांधी ने उनको बोला. और इंडियन कॉटन इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म. इसको नेशनलिज्म का सिंबल माना जाता था, खादी. ठीक है, तो खादी बिकेम ए सिंबल, सिंबल. तो उन्होंने अर्ज किया टू यूज द खादी. तो ये रीजन थे कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट वॉज नॉट कम्प्लीटली डाई. ठीक है, इट वॉज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कि बिल्कुल खत्म नहीं हुई, एग्जिस्टेंस में रही. उसके बाद लेकिन डिक्लाइन तो हुआ. ठीक है, मैनी जो पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे लॉस्ट देयर जॉब्स. सो व्हाट हैपेंड टू देम, उनके साथ क्या हुआ? जो कौन थे वो लॉस्ट देयर जॉब्स, जो उन्होंने अपनी जॉब्स तो थी, दे हैव लॉस्ट. तो व्हाट दे डिड, क्या किया उन्होंने? यस बेटा लविश, व्हाट दे डिड? हां जी राघव, एक यहाँ पे मिल्स भी स्टार्ट एस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी. अगर मिल्स लगी हैं तो उनमें काम करने के लिए कौन चाहिए? लेबरर्स चाहिए. तो लेबरर्स कहाँ से मिलेंगे? तो जो, ठीक है, फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया, एक तो कुछ लेबरर्स बन गए, है ना, सम ऑफ देम दे बिकम लेबरर्स, कुछ लेबरर्स बन गए. और देन कुछ माइग्रेट कर गए, और माइग्रेट करने के बाद दे वर्क एज अ वर्कर इन मिल्स. ठीक है, जो मिल्स थी उनके वर्कर्स में. और कुछ लोग माइग्रेट करके कहाँ गए, जैसे हमने हिस्ट्री में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, इंडिगो प्लांटेशन में वो लेबरर्स हायर कर रहे थे. तो इसी तरह कुछ प्लांटर्स ने प्लांटेशन दूसरी कॉलोनीज में भी लगाई थी, इंडिया में नहीं, दूसरी, जैसे अफ्रीका और दूसरे ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी लगाई थी. तो वहां पे वो लेबरर्स को लेके जा रहे थे वहां प्लांटेशंस में काम करने के लिए. तो कई लेबरर्स उनके साथ अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका, यस अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जो प्लांटेशंस थी वहां पर वर्क करने के लिए माइग्रेट कर गए. ठीक है, वर्कर्स इन मिल एंड इन प्लांटेशंस, और प्लांटेशंस कहाँ थे? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. तो वहां पे भी उनको जॉब्स मिल गई. ठीक है, नाउ व्हाट दे डिड, द पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स,
So where they find their work now? क्लियर। उसके बाद तो अब हमारा ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। इसी में साथ में एक पॉइंट जिसके साथ ही ऐड है कि इंडिया में भी जो कॉटन मिल्स थी वो एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। फर्स्ट मिल कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई? अब जब ये डिक्लाइन की ही सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, उसी टाइम में एक साइड पे डिक्लाइन भी हो रहा है, इंडियन प्रोड्यूसर्स भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भी प्रोड्यूस करने की। तो इंडियन में फर्स्ट कहाँ पे कॉटन मिल एस्टेब्लिश की गई? सो फर्स्ट मिल एस्टेब्लिश की गई बॉम्बे में किस ईयर में? इन 1854। उसके बाद नेक्स्ट अहमदाबाद में, अहमदाबाद में कौन से ईयर में? 1861। फिर और सिटीज में भी एस्टेब्लिश की गई धीरे धीरे, ठीक है, जैसे कानपुर हो गए और यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस मींस जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर एरिया से उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के, उन सबको इकट्ठे क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। यस, नव्या सिट क्वाइटली नाउ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो, वट एवर वी हैव डिस्कस, इज देयर एनी डाउट? यस बेटा, पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट मिल, या तो आपको पूछा जाता है फर्स्ट मिल वेयर इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, और वेन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद, देन डिफरेंट सिटीज, ठीक है। यस, यू विल राइट बॉम्बे। आपको ऑप्शन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, तो उसके पास आपके पास ऑप्शंस होंगी, यू डोंट हैव टू राइट वन सिंगल वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपने लिखना है तो यू हैव अच्छी, इट विल बी बेटर इफ यू यूज द वर्ड बॉम्बे दैट इज रिटन इन योर बुक्स, ठीक है। उसके बाद अब हम कल बात करेंगे द आयरन स्मेल्टर्स, ठीक है। वीवर्स की हमने बात कर ली, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, व्हाट वाज इट्स पोजीशन इन कॉलोनियल पीरियड। लास्ट में जब हमने बात की कि महात्मा गांधी ही अर्ज टू यूज द पीपल टू यूज खादी, ठीक है, खादी यूज करने के लिए बोला, और उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारी कंटिन्यू हुई, ठीक है, एंड मोस्टली पीपल दे ऑल्सो बायकॉटेड द ब्रिटिश टेक्सटाइल, ठीक है। तो देन उसके बाद तो फिर ये कॉलोनियल पीरियड में ये सारे पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज हुआ टेक्सटाइल का। इसके बाद अब जो हम बात करेंगे आयरन स्मेल्टर्स की, वो स्टार्ट होती है आपकी बुक में टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड की एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। इस अगर पिक्चर में आप देखोगे तो इसमें इट हैज देयर इज समथिंग रिटन विद गोल्ड, स्टील की है ये स्वॉर्ड, दिस स्वॉर्ड इज मेड अप ऑफ स्टील एंड दिस इज ऑफ टीपू सुल्तान स्वॉर्ड, और इस पे देयर इज रिटन विद गोल्ड ऑन द स्टील हैंडल टीपूज स्वॉर्ड वर कोटेशंस फ्रॉम कुरान, कुरान में से कुछ कोटेशंस हैं वो भी इसमें ऐड है, विद द मैसेज अबाउट विक्ट्रीज इन वॉर, और जो जो उसने वॉर में विक्ट्रीज हासिल की हैं उसके मैसेजेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब व्हाट इज स्पेशल अबाउट इन दिस वॉर, इस वॉर्ड में स्पेशल क्या था, ये नेक्स्ट पैराग्राफ आप रीड करोगे, ठीक है, देन वी विल डिस्कस इट टुमारो। हाँ जी, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? हाँ जी, क्या था इसमें स्पेशल बेटा? एक तो इसमें कार्बन यूज किया, इट वाज स्पेशल स्टील, ठीक है, जिसको कि कार्बनाइज किया जाता था, जिसको बोट्स स्टील कहा जाता, ठीक है। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो।